चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि दमोह से मिल रही है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक एक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घर में धार्मिक आयोजन किया जा रहा था, चल रहा था, जिसमें कई लोग आयोजन में शामिल थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंडोरिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दमोह में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा और उसके बाद उस घर में जो लोग मौजूद थे उसमें से दो लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घर में धार्मिक आयोजन किया जा रहा था उस वक्त यह हादसा हुआ है, कई लोग धार्मिक आयोजन में शामिल थे। सूचना मिलते ही हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद है, कई लोग देखे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो लोग घर में दबे हुए हैं उन्हें लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है, इस पूरी खबर में इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सेन फोन लाइन पर जुड़ चुके। विवेक, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा और ये भी खबर मिल रही है कि दो लोगों की मौत हुई है, और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस वक्त? बिल्कुल अमृता, मैं आपको बता दूं कि दमोह के हिंडोरिया का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक, आज ये अभी की घटना बताई जा रही है, एक घर में जा घुसा है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का एक रहने वाले हिंडोरिया में इनका घर था, जो सड़क किनारे था। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक, जो इसमें पूरी गलती ट्रक ड्राइवर की बताई जा रही है, जो मोबाइल चला रहा था और मोबाइल चलाते समय वो अपना नियंत्रण खो बैठा और ये बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा। और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो परिवार है, यहाँ धार्मिक आयोजन चल रहा था, इसी दौरान जब ये ट्रक घर में घुसा तो एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है, वहीं कई लोग इसमें अभी दबे हैं। यहाँ पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जी विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है, कितने लोग उस धार्मिक आयोजन में उस वक्त मौजूद थे और कितने लोगों का रेस्क्यू कर अब तक बाहर निकाल लिया गया है? ये बिल्कुल, ये धार्मिक आयोजन चल रहा था तो यहाँ कई लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, महिलाएं बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए थे और तभी ये घटनाक्रम घटित हो गया। और जैसे ही लोगों को जानकारी लगी और लोगों ने देखा तो तत्काल ट्रक को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ जेसीबी को बुलाया गया है और जेसीबी की मदद से ट्रक को निकाला जा रहा है। और अभी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है जिन्हें दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जहां तक जानकारी की बात है तो अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं। जी विवेक, अगर ट्रक ड्राइवर की बात की जाए तो क्या ट्रक ड्राइवर पुलिस गिरफ्त में है? बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर यहां से भाग गया है, पुलिस गाड़ी छोड़कर भाग गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पूरे मामले की जाँच के लिए पुलिस यहाँ लगी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जो ट्रक ड्राइवर था मोबाइल चला रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची और एक महिला शामिल है। इसके साथ ही घर में कई लोगों के दबे होने की आशंका चलाई जा रही बताई जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने अब रेस्क्यू शुरू कर दिया है, पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जो ट्रक चालक है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है।